हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक अर्बन लेजेंड के बारे में, जिसका नाम है कुचिसा के ओना। कौन थी ये लड़की, कैसे बन गई जापान की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की एक डरावनी चुड़ैल, जानने के लिए शुरू करते हैं कुचिसा के ओना की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 से। उस टाइम जापान के लोगों में कुचिसा के ओना का बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ था। वहाँ के लोगों का मानना था, अगर कोई अकेला किसी सुनसान सड़क से जा रहा होता है तो उसको सामने से एक मास्क पहने एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की का आधा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है और वो जिसके भी सामने आती है उससे एक क्वेश्चन पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और अगर उसका जवाब हाँ में दिया तो वो अपना मास्क हटा देती है और उसके मास्क के नीचे उसका आधा कटा हुआ डरावना चेहरा सामने आ जाता है। उसके बाद वो फिर से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और अगर उसका जवाब हाँ में दिया तो वो सामने वाले का चेहरा भी अपने चेहरे की तरह काट देती है। और अगर उसका कोई भी जवाब ना में दिया तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से अपने सामने वाले को मार देती है। 1970 में जापान में ये कहानी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसकी वजह से न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में भी यही बताते थे, अगर कोई ऐसी लड़की आपके सामने आ जाए तो आपको वहाँ से भागना है, आपको उसका जवाब नहीं देना। और इसकी वजह से जापान के लोगों ने अकेला अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। कौन थी ये लड़की और कहाँ से आई थी, इसके पीछे भी एक कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम, ये सुनो। 100 साल पहले जापान में एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की रहती थी, जिसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और उसका नाम था कुचिसा के ओना। उसका पति एक समुराय था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन वो अपने काम की वजह से अपने शहर से बाहर चला गया था और वो कई महीनों तक वापस नहीं आया था। कुचिसा के ओना को लगा कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा, वो एक समुराय था, शायद से अब वो नहीं बचा। लेकिन एक दिन जब वो वापस आया तो उसने देखा उसकी पत्नी किसी और के साथ थी। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपनी पत्नी का चेहरा अपनी तलवार से काट दिया था दोनों साइड से। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था ना, अब देखता हूँ तुम्हारे साथ कौन रहेगा। लेकिन कुचिसा के ओना का चेहरा बहुत ज़्यादा कट गया था और वो थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके बाद 1970 में जापान के लोगों ने ये बात बोलना शुरू कर दिया था कि उन्होंने रात के समय एक लड़की को देखा है सड़क पर अकेले, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कैंची थी और उसका मुंह दोनों साइड से कटा हुआ था। और कई लोगों ने यह बात माननी शुरू कर दी थी कि वो कुचिसा के ओना है जो वापिस आ गई है। 1970 के बाद 8 से 10 साल तक लोगों ने कुचिसा के ओना के नाम का डर फैला कर रखा और उसके बाद धीरे धीरे लोग बोलने लगे कि कुचिसा के ओना वापिस चली गई है, अब वो नहीं दिखती। कोई सेंस है इस बात इतना ही नहीं, इन सब के बाद गाइस जापान में कुचिसा के ओना के नाम पर 2 मूवीज़ भी रिलीज़ हो गई। और गाइस अगर आपको वो मूवी देखनी है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, कुचिसा के ओना मूवी आपको मिल जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो गाइज क्या लगता है आपको, क्या सच में कभी कुचिसा के ओना थी? क्या सच में जापान के लोगों को 1970 में कुचिसा के ओना दिखती थी? क्या लगता है आपको कुचिसा के ओना की ये कहानी सच है या झूठ, कमेंट्स में बताना। और आप मेरी इस वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।